ने शॉर्ट फिल्म बनाई है, इट्स अ एक्सट्रीमली ब्रेव अटेम्प्ट और मैं भी आपके साथ देखूंगा। लेकिन ये जो डिजिटल फॉर्मेट जो अभी खुला है, इट जस्ट इनकरेजेस न्यू टैलेंट एंड ओपन माइंडेड सिनेमा, विच इज़ एक्सट्रीमली ब्रेव। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लोग ये करें, क्योंकि जिससे जो जैसे कि मेरे बच्चे जो है वो आजकल टीवी या फिल्में मतलब थिएटर में बहुत कम देखते हैं। दे आर एक्सेसिबल टू द फोन, स्मार्टफोन, एंड नाउ यू गेट ब्यूटिफुल फोन, सो एवरीथिंग इज ऑन डिजिटल। आई थिंक दिस इज़ अ न्यू वर्ल्ड एंड दिस इज़ अ न्यू काइंड ऑफ सिनेमा। यू नो ये हमारे साथ वर्कआउट करते हैं, तो इन्होंने मुझे जिम में टीजर दिखाया था, ट्रेलर दिखाया था, और आज हम सब फिल्म देखने वाले। आई थिंक इट्स व्हाट एवरीवन इज डन, इट्स जस्ट कमेंडेबल, एंड आई फील दैट द मोर ऑफ द शॉर्ट फिल्म्स आर मेड, इट जस्ट इनकरेज फिल्म मेकर्स टू मेक बेटर एंड ब्रेवर सिनेमा। ये फिल्म है, एक थ्रिलर है और मर्डर मिस्ट्री है, और आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, और इन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है फिल्म में। आपने बहुत अच्छा काम किया। अब इसमें कचरे वाले को देखने को मिलेगा, कचरे वाला भी होता है ज़्यादातर। आम जिंदगी में हम लोग कचरे वालों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, सिर्फ ये सोचते हैं कि वो सुबह आके कचरा लेके गया कि नहीं, लेकिन कचरे वाला भी क्या सोचता है और कहाँ कहाँ से कामयाब होता है इस पिक्चर में देखेंगे। मूवी देखिए तो आपको पता चलेगा एक्चुअली गर्ल इन इट है क्या, वो एक मिस्ट्री है, तो वो आप खुद ही सॉल्व कीजिए।